हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा लेकिन इमरजेंसी केस देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और दिस इज़ वेरी यूजफुल रेमेडी इन योर प्रैक्टिस, वेरी यूजफुल। लाइक टुडेज वेरी यूजफुल रेमेडी इज पैरासीटामोल, पेन किलर लाइक, राइट। तो ऐसी हमारी मटेरिया मेडिका में एक मेडिसिन है जिसको हम आज समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस केस के थ्रू, तो इस केस में क्या है कि मुझे करीब 6 PM के टाइम पे, जब मेरा क्लिनिक का टाइम होता है, तो मैं रास्ते पे था, मैं अपने क्लिनिक पे बाइक से आ रहा था, तो पेशेंट का कॉल आता है। तो ये पेशेंट नहीं है, ये मतलब पेशेंट वो हैं, वो जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनके कोई दूर के रिलेटिव हैं, उनकी जो मतलब कज़न सिस्टर लगती हैं वो, ठीक है। तो उनने क्या किया कि उन्हें पॉइजन पी लिया। पॉइजन में क्या, रेट को किल करने के लिए जो पाउडर का यूज़ किया जाता है, उनने वो पी लिया, ठीक है। अब वो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिटोरिएट होती चली गई और अब ऐसी स्थिति आ गई कि उनकी हालत ख़राब हो गई और वो अब एम्बुलेंस से आते आते वो रास्ते पर थी और रास्ते में ये मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आता है कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, इनको क्या दवाई देनी है। तो मैंने पूछा कि हो क्या रहा है इनके साथ, तो बोला कुछ नहीं, ये बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम सुस्त बेहोश जैसी हो गई हैं, ठीक है। मैंने कहा पूरी बेहोश हो गई हैं, तो पेशेंट ने बोला कि हाँ पूरी बेहोश हो गई हैं, लेकिन मैंने कहा कि और कुछ नहीं कर रही, मतलब पूरी बेहोश तो नहीं हुई इनको, ये मतलब बेहोश जैसी हैं, इनको उठाओ तो आंसर करती हैं, बोलती हैं कुछ और फिर वापस लेट जाती हैं, ठीक है, और जल्दी से नहीं उठती, बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्का मारना पड़ता है, फिर उठती हैं और फिर आंसर बोल के जो भी पूछो तो बोल के वापस लुढ़क जाती हैं, ठीक है। और मैंने पूछा कि क्या और क्या कहती हैं वो, कि क्या दिक्कत हो रही है, बोला कुछ नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद क्या, मेडिसिन समझ में आ गया, वो रास्ते में था, मैंने कहा कि आपको जहाँ पर भी होम्योपैथी का फार्मेसी मिले, मैंने रास्ते में 2-3 शॉप का नाम बताया, कि वहाँ पर खड़े होकर आपको मेडिसिन लेनी है और मेडिसिन उनको 200 के 3 डोज अभी 15-15 मिनट में देते जाना है। तो हॉस्पिटल करीब 2-3 किलोमीटर दूर रह गया था वहाँ से, उसके पहले ही फार्मेसी थी, उनने मेडिसिन उठाई और दे दी। तो पेशेंट जाते जाते हॉस्पिटल को पहुँचते पहुँचते पेशेंट अलर्ट होकर बैठ गया, खड़ा हो गया, हेलो, समझा। तो ये था होम्योपैथी का कमाल। उन्होंने, मैंने गलती कर दी, वीडियो नहीं लिया, तो बिफोर वहाँ पर जो ने किया तो किया अपना स्टमक वॉश वगैरह जो भी किया, लेकिन पेशेंट टोटली अलर्ट हो गया और मतलब लगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है इनको, है। डॉक्टर ने भी ऑब्जर्वेशन में रख लिया, उनको थोड़ी पता था कि हमने क्या दे दिया इनको, ठीक है। तो ये पेशेंट यहाँ रास्ते में बेहोश था, आज सेमी कॉन्शियस था और वहाँ पर टोटल अलर्ट हो गया। तो ये है होम्योपैथी का कमाल। तो आइए देखते हैं हमने क्या मेडिसिन दी होगी। तो इसमें ऐसे केसेस में हमको समझना होता है, पेशेंट को समझना होता है, ठीक है। सिचुएशन कैसी भी हो, हमको पेशेंट को समझना होता है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, किस स्टेट में है पेशेंट, क्यों है, क्या है और कैसे है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले पेशेंट ने क्या किया, पॉइजन की हिस्ट्री है इसको, तो पॉइजन पिया है पेशेंट ने, और क्यों पिया है उसने, सुसाइड करना चाहता है, ठीक है, मरना चाहता है। तो सिंपल आपको रूब्रिक लेना है, क्या सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल डिस्पोजिशन, पॉइजन्ड बीइंग बाय, और भी हमारे पास रूब्रिक होते हैं। अब जैसे कोई हैंग करने की कोशिश करता है तो सुसाइडल डिस्पोजिशन है बाय हैंगिंग, सुसाइडल डिस्पोजिशन बाय ड्राउनिंग, डूब जाने के बाद, डूबने के बाद मरने की कोशिश करता है। तो इस पेशेंट ने क्या किया, सुसाइडल डिस्पोजिशन बाय बीइंग बाय पॉइजन्ड, पॉइजन लेके मरने की कोशिश करता है, नंबर दो। नंबर दूसरा रूब्रिक क्या था हमारा, आंसरिंग, ठीक है, उसमें क्या आंसरिंग, आंसर स्टूपिफिकेशन रिटर्न क्विकली। तो आंसरिंग मतलब आंसर तो कर रहा है, स्टूपिफिकेशन में है पेशेंट और आंसरिंग कर रहा है, उठाने के बाद वो आंसर करता है और फिर से वो लुढ़क जाता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश जैसा हो जाता है, बेहोश होता तो नहीं उठता। तो ये स्टूपर कहलाता है कि वापस रिटर्न इनटू स्टूपिफिकेशन,
answering quickly and return वापस stupefaction, ठीक है. थर्ड उपरेक लिया, stupefaction rouses with difficulty, हम उसको उठा रहे हैं, नहीं उठ रही, बड़ी मुश्किल से उठती है और फिर आंसर देती है, ठीक है. तो यह है stupefaction rouses with difficulty. और अब पेशेंट क्या कहता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं. वेल सेज वेन वेरी सिक, ठीक है, मैं ठीक हूं. तो वेल सेज, जब वो इसकी हालत ऐसी है जहां उसको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, इलाज लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको कोई टेंशन नहीं है, नो सेंस ऑफ डेंजर, मतलब उसको खतरे का एहसास ही नहीं है, इसीलिए वो संतुष्ट अवस्था में, आई एम ओके, मैं ठीक हूं, नो प्रॉब्लम. तो उसको मेडिसिन दिया गया था, आप समझ ही गए होंगे, ये सिंपल ओपीएम का केस था. ओपीएम ने इतने जबरदस्त कमाल किया कि पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते ही सेटल हो गया, 3 किलोमीटर के फासले में, मतलब 10 मिनट के इंटरवल में ही पेशेंट सेटल हो गया. तो इतना फास्ट होम्योपैथी काम करती है. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, केसेस पर फोकस करना है कि केस की क्या सिचुएशन है, ठीक है, और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रिएक्शन है, ये समझ जाएंगे आप. तो वहाँ से रूबरी पकड़िए और मेडिसिन दीजिए, तो आप भी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं होम्योपैथी से, ठीक है. ये इमरजेंसी केस ऐसे हैंडल हुआ. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल पुट मोर वीडियोज़ फॉर यू. थैंक यू.